हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। आज हम गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी और चटपटा नाश्ता बनाएंगे। इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और आज इसे हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गेहूं के आटे का नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल गेहूं का आटा लिया है, आधा बॉल बेसन लिया है, 3/4 बॉल हमने दही ली है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट लेंगे, आधी गाजर ली है और 2 टेबलस्पून हमने शिमला मिर्च ली है, ये रेड शिमला मिर्च है, और 1 छोटा प्याज लिया है और 1 मीडियम साइज का आलू लिया है जिसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और 3 हरी मिर्ची ली है। सब्जी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 नींबू का रस लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और उसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा, बेसन ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे और नींबू का रस ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। या आप अपनी चॉइस की कोई भी ऐड कर सकती हैं। ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे, ये कच्चे आलू हैं, आप चाहें तो ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका एक मीडियम थिक बैटर तैयार कर लेंगे हम। ये हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है, तो बिल्कुल इसी तरह का बैटर आपको भी रखना है, मीडियम थिक। यहाँ पे हमने एक बॉल पानी का यूज़ किया है इस बैटर को तैयार करने के लिए और इसे अब हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड किया है और 1 स्टैंड का यूज़ किया है, तो पानी को हम बॉयल आने तक गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टिन ली है जिसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये प्रोसेस हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे। ये बेकिंग पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इस बैटर को पोर कर लेंगे उस टिन में और इसे अब हम टैप कर लेंगे ताकि जितने भी बबल्स हैं वो बाहर निकल जाए। तो अब हम इसे अब स्टीम के लिए रखेंगे। ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें टिन रखेंगे और इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे। अब 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं एक टूथपिक डाल के। तो अभी ये थोड़ा कच्चा है, तो इसे 5 से 7 मिनट हम और पका लेंगे। अब 5 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी टूथपिक एकदम साफ निकली है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे साइड से अलग कर लेंगे चाकू से। वैसे अब प्लेट में हम निकाल लेंगे। हल्का सा टैप कर लेंगे इसे हम,
देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से निकल चुका है और बहुत ही बढ़िया बना है ये हमारा नाश्ता और बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा ये स्पंजी भी है और अच्छे से ये फूल भी चुका है। तो अब हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हम 1/2 टीस्पून सरसों लेंगे, 10 से 12 पत्ते मीठी नीम के लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, 3 से 4 हमने हरी मिर्ची ली है जिसको हमने बीच से स्लेट कर लिया है और 2 टीस्पून हमने रिफाइन ऑयल लिया है। तड़के के लिए हमने गैस ऑन कर लिया। अब पैन में हम रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और तेल को भी गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों ऐड करेंगे और इसे भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मीठी नीम ऐड करेंगे और इनको हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके हम पीस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें तड़का ऐड करेंगे। ये नाश्ते के हमने पीस कर लिए हैं, अब हम इसमें तड़का ऐड करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा टेस्टी मसालेदार नाश्ता बनके रेडी है। तो आप भी इसे शाम को बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसे आप टोमेटो सॉस के साथ, पुदीने की चटनी के साथ बना के ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।